पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 11,000। तो यार आज इसी टॉपिक की बात करेंगे, तो बात करते हैं नंबर फाइव की बात करते हैं। लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ, 8,000 से लेकर 12,000 के प्राइस रेंज में अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं। लाइक कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है कंपनी ब्रांड की ओर से, ठीक है। तो आज मैं आपको सभी ब्रांड्स की ओर से या सभी कंपनीज की ओर से स्मार्टफोन बता दूंगा जो कि आप परचेज कर सकते हो। तो बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर फाइव पर यार मैंने रखे हैं रेडमी की ओर से स्मार्टफोन। मैं आज आपको दो रेडमी की ओर से स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आप 11,000 के प्राइस रेंज में ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 9 की एंड मैं बात कर रहा हूँ रेडमी 9 पावर की। ये दोनों स्मार्टफोन आपको 11,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे, 4GB रैम के साथ दोनों देखने को मिलेंगे। रेडमी 9 पावर जो है वो आपको 4 कलर्स में देखने को मिल जाता है, 6000mAh की उसमें बैटरी देखने को मिल जाती है, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, रिवर्स चार्जिंग भी वो सपोर्ट करता है, Full HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, IPS डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ आएगी, स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है तो रेडमी 9 पावर आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आप नॉर्मल सेटिंग पे इजीली नॉर्मली गेमिंग कर सकते हो। आपको क्वाड कैमरा सेट मिल जाता है 48MP के साथ, प्लस आपको 8MP के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। अभी रेडमी नोट 9 की बात कर लेते हैं तो 4GB रैम जो वेरिएंट है वो आपको 11,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। 3 कलर्स में आता है, तीनों कलर इसके बहुत सही है एंड अगर आपको लुक डिजाइन कलर वगैरह मैटर करते हो तो रेडमी नोट 9 जो है वो सच में ज्यादा अपर चला जाता है एज कंपैरिजन किया जाए रेडमी 9 पावर से, ठीक है। इसमें आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको Full HD+ डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS डिस्प्ले है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। इसमें आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है 12nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आप कर सकते हो। इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेट मिल जाएगा 48MP, लेकिन इसकी सेल्फी ज़्यादा सही है, इसमें आपको 30MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही रेडमी स्मार्टफोन्स के बता दिया। अभी कंक्लूजन कर देते हैं। तो भाई अगर आपको बिग बैटरी चाहिए या प्रोसेसर थोड़ा सा सही चाहिए, स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर चाहिए, तो आप जा सकते हो रेडमी 9 पावर की ओर। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन कलर वगैरह मैटर करते हैं, फोटोज अच्छी क्लिक आउट करना चाहते हो उसके बाद, लाइक अगर आपको रेडमी नोट 9 चाहिए तो आप रेडमी नोट 9 की ओर भी जा सकते हो। अगर मेरा बजट 11,000 होता एंड मुझे रेडमी की ओर से स्मार्टफोन चाहिए होता तो सच बताऊंगा यार मैं रेडमी नोट 9 की ओर ही जाता, बिकॉज उसका लुक, उसका डिज़ाइन, उसके कलर वगैरह भी मैटर करते हैं। अगर मैं हाथ में पकड़ूंगा वो फोन का लुक अच्छा होता है। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखे हैं पोको की ओर से स्मार्टफोन। अभी भी मैं आपको दो स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि पोको की ओर से आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पोको M2 की एंड मैं बात कर रहा हूँ पोको M3 की। अभी यार मैं कंक्लूजन सीधा ही आपको बता देता हूँ, अगर आपको डिज़ाइन लुक वगैरह मैटर करते हैं तो भाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ पोको M3 आपके लिए बेस्ट डील होने वाले हैं। एंड भाई अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो पोको M2 की ओर आप जा सकते हो, बिकॉज वो आपको 6GB रैम के साथ देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई मैंने उसको नंबर इसके साथ अटैच कर दिया, और कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोको M3 की, ये आपको 11,000 के प्राइस रेंज में मिल जाता है। अगर आपको डिज़ाइन कलर लुक वगैरह मैटर करती है, 6000mAh की बैटरी चाहिए, उसके साथ भी अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है पोको M3। आप इसको चेकआउट कर लेना। अगर आपने नहीं लेना तो 6GB रैम की और आप पोको M2 की ओर भी जा सकते हो। पहले 3 बोलने लगा था, आप पोको M2 की ओर भी जा सकते हो। वो भी उसके भी लिंक मैंने सभी कुछ प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चैकआउट करना है आप चैकआउट कर सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आपको IPS LCD देखने को मिलेगी पोको M3 में, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ आती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी। स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर मिल जाता है 662, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ये स्मार्टफोन 4 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 3 कलर्स में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो येलो कलर है वो इसको ज़्यादा सूट करता है। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई येलो कलर चेकआउट कर लेना। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिंक जो प्रोवाइडिंग लिंक है, बाइंग लिंक है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कर लेना अगर चेकआउट करना चाहते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है नॉन चाइनीज स्मार्टफोन। मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी F12 की। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अप्रैल 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको PLS IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलेगी। इसमें आपको Exynos 815 देखने को मिलेगा, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए आप कर सकोगे, मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए आपके लिए भी बेस्ट होने वाला है।
वाला है। दो वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलता है 4GB रैम के साथ एंड स्टोरेज वेरिएंट आपको डिफरेंट मिलेंगे 64GB स्टोरेज प्लस 128GB स्टोरेज। क्वाड कैमरा के साथ आता है 48MP के साथ देखने को मिलेगा एंड 8MP की सेल्फी मिल जाएगी। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है यार। अगर आपको एक बिग बैटरी स्मार्टफोन चाहिए, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, स्लिम स्मार्टफोन चाहिए या अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए लेकिन आपने जाना नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की और तब भी आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला सैमसंग गैलेक्सी F12। तो यार माइनस पॉइंट की बात करूँ, ये प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलता है। ये क्या यार, जितने मैंने आपको पहले स्मार्टफोन बताए वो भी आपको प्लास्टिक फ्रेम में ही देखने को मिलेंगे। तो इतने प्राइस रेंज में आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिले, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, सभी के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका भी मिल जाएगा। अगर आपने चेक आउट करना है चेक आउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है मैको मैक्स इन नोट 1 को। तो भाई अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। प्लस ये 11000 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। IPS LCD देखने को मिल जाती है, इसमें आपको हीलियो G85 देखने को मिल जाता है जो कि 12nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। दो वेड में स्मार्टफोन आता है प्लस आपको डेडिकेट स्लॉट भी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यार स्टोरेज का कोई पंगा नहीं रहेगा, सीधी सी बात, आपको क्वाड कैमरा मिल जाएगा 48MP के साथ प्लस आपको 60MP की सेल्फी मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है एंड रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। दो कलर्स में देखने को मिलता है, ग्रीन कलर में एंड व्हाइट कलर में। माइनस पॉइंट की बात करूँ तो प्लास्टिक फ्रेम में ये भी देखने को मिलेगा और कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। तो भाई अगर आप मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो, माइको मैक्स इन नोट 1 आपके लिए परफेक्ट है। कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी भी सही मिल जाती है, नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है कर सकते हो। प्लस इसका डिज़ाइन लुक वगैरह भी आपको सही मिल जाती है। चेक आउट कर लेना अगर आपने नहीं चेक आउट किया था अभी तक माइको मैक्स इन नोट 1 को। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है रियलमी नार्जो 20 को। तो यार अगर रेडमी नोट 9 की बात करूँ वो बहुत बिगड़ा 2020 में, लेकिन अभी लोग बहुत ही ज़्यादा परचेज कर रहे हैं रियलमी नार्जो 20 को। तो भाई अगर आपने भी स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। सबसे पहले ये ट्रस्टेड ब्रांड है, लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है रेडमी की और रियलमी की ओर। एंड रियलमी या रेडमी ही एक ऐसे स्मार्टफोन है जो कि कैमरा भी अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोसेसर भी अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं, बैटरी भी अच्छी होती है एंड इनकी लुक डिज़ाइन वगैरह भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपने भी जाना है रियलमी नार्जो 20 की और आप जा सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको ये 10 से 11000 के प्राइस रेंज में नॉर्मली इजीली देखने को मिल जाता है। प्लस ये दो कलर्स में देखने को मिलेगा, दो वेड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है 4GB रैम के साथ एंड स्टोरेज जो है आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। प्लस आपको डेडिकेट स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, प्लस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसमें भी आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब आपको हीलियो G85 देखने को मिल जाता है जो कि 12nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 48MP के साथ। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया रियलमी नार्जो 20 के। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी सकते हो। मैंने आपको Redmi की ओर से दो फोन बता दिए, Poco की ओर से दो फोन बता दिए, एक आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बता दिया, एक आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बता दिया एंड मैंने आपको Realme का भी स्मार्टफोन बता दिया। अभी आपने देखना है जो भी आपकी कैटेगरी है या जो भी स्मार्टफोन आपको सही लगा आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। तो यार सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आपका बजट 11000 से भी कम है, 10000 है, 9000 है, 8000 है, 7000 है, सभी की वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो चेक आउट कर लेना यार। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक आउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।